सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आपके। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज हम आए हैं सांतियागो दे कॉम्पोस्टेला। स्पेन की एक वेरी फेमस सिटी है। ये सिटी जो है 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई थी। तो ये सिटी काइंड ऑफ ओल्ड टाउन आप इसे कह सकते हैं, बट ये फेमस है एक चर्च के लिए। यहाँ पर आज हम उसी चर्च को देखने जा रहे हैं। तो अभी लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है और कैसा वो चर्च है। हमने आज तक देखा नहीं है, बट लेट्स सी। तो गाइस, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो चोटी देख रहे हैं आप मेरे पीछे, वो है कैथेड्रल। अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं। अभी हम हैं ओल्ड टाउन में और ये टाउन काफ़ी सुंदर है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये काफ़ी उससे सुंदर है, आप मेरे पीछे देखिए, काफ़ी सुंदर है। लेट्स गो, चलते हैं अभी हम कैथेड्रल के पास और फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस, अभी आपको मैं दिखाऊंगा पूरा चर्च, कितना सुंदर चर्च है। और मेरे साथ है ये राधिका। अभी हम चलते हैं, चर्च का पूरा टूर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर चर्च है। आपने इतना सुंदर चर्च शायद ही कभी देखा हो। तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा टूर और फिर हम आगे देखते हैं आगे हम किस डेस्टिनेशन पर जाएंगे। गाइस, अभी हम अंदर जा रहे हैं और जिस अपोस्टाइल के ऊपर ये चर्च बना हुआ है, सेंट जेम्स द ग्रेट, उनकी कवर अभी हम देखने जा रहे हैं। तो लेट्स सी, और अभी मैं आपको तो भाई, ये जो चर्च हमारे पीछे है ये 1000 साल पुराना चर्च है और ये सेंट जेम्स द ग्रेट की अपोस्टाइल के ऊपर बना हुआ है। जीसस क्राइस्ट के 4 अपोस्टाइल थे, जिसमें से एक हमारे इंडिया में है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक वेटिकन सिटी में है और एक यहाँ पे है सांतियागो में और एक टर्की में है। बट टर्की वाला इतना आई थिंक फेमस नहीं है जितना हमारे ये 3 फेमस हैं। तो अभी हम देख के आए हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप सांतियागो आएँ और स्पेन आएँ तो आप ज़रूर एक बार इस चर्च में ज़रूर आएँ। और बाकी का राधिका बताएगी आपको, बताइए। गाइस, यहाँ पे आपको पता है कि 4 रूट्स हैं, जो मेन रूट्स हैं, जैसे एक है
फ्रांस रूट, एक है पोर्चुगल रूट, एक है यहीं का साउथ ऑफ स्पेन रूट और एक है जो जर्मनी से लोग आते हैं। तो यहाँ की खास बात ये है कि अगर कभी भी आप आओ तो जर्मनी से, फ्रांस से लोग चल के आते हैं 1200 किलोमीटर। कुड यू इमेजिन, मतलब यहाँ से लोग कामिनो करते हैं, यहाँ बहुत फेमस है कामिनो डे सांतियागो। और यहाँ पे उनके लिए अलग से हर चीज़ बनी हुई है, जैसे सड़कों पे उनके लिए, रोड के लिए लेन बनी हुई है। और यहाँ के जो सिटी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं टूरिस्ट को, क्योंकि जैसे आप हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में आप माँ वैष्णो देवी के यहाँ जाते हैं, आप तीर्थ यात्रा करते हैं, बेसिकली कामिनो तीर्थ यात्रा को ही बोलते हैं स्पेनिश में, तो यहाँ से, यहाँ पे लोग जो है फ्रांस से, पोर्चुगल से, जर्मनी से पैदल चल के आते हैं। कुड यू इमेजिन कि हज़ार दो हज़ार किलोमीटर से लोग पैदल चल के आते हैं। उनकी जर्नी 3 महीने की, किसी किसी की, जैसे पोर्चुगल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आई थिंक 300-400 किलोमीटर है, तो लोग 11-12 दिन तक चल के आते हैं। बीच में ऐसा नहीं है कि आप टेंट लगाओ, आप वहाँ पे जो हॉस्टल्स होते हैं यहाँ पे आप उसमें रुक सकते हो। यहाँ की जो गैस्ट्रोनॉमी है जो कि बहुत फेमस है, पुल्पो क्या होता है, ऑक्टोपस, क्योंकि ये कोस्टल लाइन पे है तो यहाँ का सी फूड बहुत फेमस है। और यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है वो है ऑक्टोपस, जो कि अभी हम आपको थोड़े टाइम में दिखाने वाले हैं कि कैसे खाते हैं। पे आपको दिखाते हैं कि अभी आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आप लाइक कहाँ पे रुक सकते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस क्या होगा रुकने के लिए, और आप क्या खा सकते हैं। अगर आप देखिए वेजिटेरियन हैं, क्योंकि हम दोनों वेजिटेरियन हैं, हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो हमारे लिए बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपको वेगन पैटीज मिल जाएंगी, वेगन चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं सी फूड में, आप पुल्पो, क्योंकि ऑक्टोपस जो है यहाँ आई थिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो यहीं पे है, कहीं पे नहीं है। और यहाँ का बनाने का तरीका भी है, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि कहाँ पे, अगर आप इंडिया से आते हैं, आपका ज़्यादा बजट नहीं है बट आप स्पेन घूमना चाहते हैं, तो आप कहाँ पे चीप जगह पे रुक सकते हैं, चीप इन द सेंस सस्ती हो एज़ कम्पेयर टू पूरी सिटी, क्योंकि बहुत महंगी सिटी है, बट आप कहाँ पे रुक सकते हैं, कहाँ पे खाना खा सकते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, और क्या क्या चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने आपको मोस्ट फेमस चीज़ का टूर दिया है, इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं पुल्पो सेंटर, जहाँ पे ऑक्टोपस बनाया जाता है। लेट्स सी क्या होता है कैसे, क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, मैंने भी ज़्यादा बार मतलब देखा नहीं है काइंड ऑफ, तो मैं भी पहली बार ही देखता हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, लेट्स गो। ये देखिए, ये है ऑक्टोपस पुल्पो, इसको बोलते हैं, ये बहुत फेमस है और हर जगह आपको मिल जाएगा। स्ट्रीट नंबर याद रखिए, और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सामने कासल दिख रहा है यही है हॉस्टल, इसमें आप बहुत सस्ते में अपना रूम ले सकते हैं और आप यहाँ पे रह सकते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:30, अभी हम जा रहे हैं क्लबिंग करने, तो देखते हैं अभी क्लबिंग कैसी होती है। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्लबिंग का, अगर आप सांतियागो आए हैं तो सबसे बेस्ट क्लब कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मेरा
वेलकम बैक गाइस। सॉरी मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाया, लेकिन मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आप कौन से क्लब जा सकते हैं, आप हॉस्टल की बुकिंग किस वेबसाइट से कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर हॉस्टल की बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको प्री बुकिंग करनी होगी, अदरवाइज़ आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि जब भी अगर आप प्लान बनाएं 2-3 महीने या 1 महीने कम से कम पहले आप बुक करके चलें सारी चीज़ें, ताकि आपको यहाँ आके कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक बटन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।